एडवांटेज के टाइम पे आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है बाइक का वो है आपका वेट रेशियो। बट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर पोजीशन नहीं मिलती है, तो हीटिंग करती है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप ट्रैफिक में चलते हो 10 की 20 की 30 मिनट में चलते हो तो भाई हीटिंग इश्यूज है, थोड़ा सा ज्यादा महसूस उस टाइम पे आपको लगेगा। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की फोर्थ नंबर की, तो भाई वो है इसकी हेडलाइट। बिकॉज इसके अंदर हेडलाइट को ना एक ही कोई दो में इन्होंने पार्टीशन करके बना दिया। मतलब तो दोस्तों आप करते हैं इसकी तारीफ, क्योंकि इसकी मैंने बुराई तो बहुत कर दी। मतलब पांच ऐसे रीजन बताए जो कि वैलिड रीजन है। मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं कि अपने पास से ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूं, लेकिन नहीं, जो मैंने महसूस करी वो मैंने ऐसी खामियां बताई हैं। आप बात करते हैं फायदे की, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है जिसके वजह से आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बेनेली की, अपनी रेडबुल की। अगर आप लोग 2023 में प्लान कर रहे हो कि भाई बेनेली परचेस करनी है हमें भी, तो उसके लिए भाई पहले ही सावधान हो जाना, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, जो कि मैंने जब से बाइक खरीदी है तो भाई मैंने भी फील करी ये चीज़ें। इस वजह से ये ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है अपनी बाइक की। मैं अच्छाइयाँ बताने वाला हूँ, बुराइयाँ बताने वाला हूँ, तो इससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपको 2023 में ये बाइक लेनी चाहिए नहीं चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग बोलूंगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, और कैसी लग रही है वीडियो इसके बारे में बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको पहले ही बोलता, कल की वीडियो में भी परसों की भी हर बार बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ आप लोग लाइव, मैं आऊँ आप लोगों के लिए, तो उस चीज के लिए कितना एक्साइटेड हो ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसके चार पांच ऐसे रीजन जो आपको भाई मतलब डिसएडवांटेज के तौर पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मैंने फील करा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि अपने सेगमेंट में मतलब 600 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा भारी बाइक ये रहने वाली है। सही सुन रहे हो, मतलब जिस कैटेगरी जिस वेट में आती है ना, उस वेट में आती है हमारी हायाबूसा, वो कि 1300 सीसी की होती है, और ये बाइक साहब 600 सीसी की बाइक है, और मान लो 238-240 किलो की अप्रोक्स ये बाइक रहने वाली है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और यही एक एडवांटेज है, ये एडवांटेज के टाइम पे आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है बाइक का वो है आपका वेट रेशियो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा इंक्लाइन पे या फिर डिक्लाइन पे या फिर कैसे भी आप इसको थोड़ा सा निकालने और बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको बहुत ही ये हैवी लगने वाली है। बाकी जब चलाओगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होती है, तो ये एडवांटेज भी है। बाकी एडवांटेज क्या है वेट हैवी होने का, ये आपको मैं एडवांटेज बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बस एक ये है कि भाई तो ये भारी बहुत है, 600 सीसी सेगमेंट में या 650 सीसी सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती है उनमें भी सबसे भारी है ये, और वैसे भी ये सबसे ज्यादा भारी रहने वाली है बाइक। तो ये इसका डिसएडवांटेज है जो मैंने फील करा है। तो दोस्तों दूसरा डिसएडवांटेज वो है कि भाई देखो सुपर बाइक है, ठीक है, ये नॉर्मल बाइक नहीं है, कोई कम्यूटर बाइक नहीं है, कुछ नहीं है, ये इनलाइन 4 बेनेली की बाइक है, वो भी बाहर से इंपोर्ट होती है फिर इंडिया में आती है, ठीक है जी। मतलब ऐसे बाहर की बाइक है बेसिकली ये, ठीक है जी, DSK वालों की। अब ये देखो कि इस बाइक के अंदर इनलाइन 4 सिलेंडर मिल जाते हैं हमारे को, और बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, बट इसके अंदर जो एक मिनिमम चीज होनी चाहिए थी वो इसके अंदर मिसिंग है, वो है ऐसा गियर शिफ्ट इंडिकेटर। मतलब कि इसका जो मीटर है वो डिजिटल भी है और टैको भी है, मतलब कि सुई भी मिल जाएगी आपको और डिजिटल फॉर्म में भी मिल जाएगा। बट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर पोजीशन नहीं मिलती है, लाइक आप कौन से गियर में हो ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मुझे डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जब समटाइम्स किसी रेस लगा रहे हो या कुछ अपनी बाइक की परफॉर्मेंस निकाल रहे हो और कंटेंट बना रहे हो, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपनी बात करूँ, तो भाई हमको पता ही नहीं चलता कि हम कौन से गियर में चल रहे हैं और कैसे आप लोगों को शो करेंगे भाई फर्स्ट गियर में बाइक हमारी इतनी जा रही है, सेकंड में इतनी जा रही है, या क्या RPM है उस RPM में कितनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर इसके अंदर वो चीज़ मिसिंग लगती है कि भैया 600 सीसी की बाइक है, सुपर बाइक है, इनलाइन 4 है, बट इसके अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता तो बहुत अच्छा होता, बट ये नहीं है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों तीसरा डिसएडवांटेज ये है इस बाइक का कि इसका हीटिंग इश्यू ज़्यादा रहता है, मतलब कि मैंने खुद फील करा है। वैसे तो देखो मेरी ये फर्स्ट सुपर बाइक है, बट इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइक चलाई है, ऐसा नहीं है कि मैंने भाई कोई बाइक नहीं चलाई हो, मैंने डोमिना भी चलाई है, ड्यूक भी चलाई है, और भी बाइक चलाई है मैंने जिसका लिक्विड कूल इंजन होते थे, तो हीट वो भी करती है, बट कंपेयर करें उनसे और इसको तो भाई हीटिंग इशू तो ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा। बट फिर भी अगर बात करें नॉर्मल सुपर बाइक से, तो भाई देखो इसका यह है कि बेनेली जो है थोड़ी सी ना और नॉर्मल सुपर बाइक से थोड़ी ज़्यादा हीटिंग करती है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप ट्रैफिक में चलते हो 10
की 20 की 30 की स्पीड चलते हो तो भाई हीटिंग इशू जो है थोड़ा सा ज्यादा महसूस उस टाइम पे आपको लगेगा, मतलब जो इसका इशू है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा, मतलब उस टाइम पे आपको ना पैरों पे जो है आपको हीट लगेगी। और लेकिन मेरी वाली बाइक के अंदर ऐसा है कि मेरे को लेफ्ट साइड से तो हीटिंग नहीं आती बिल्कुल भी, मेरे को राइट साइड से आती है। तो जो कोई बाइक अगर ओन कर रहा है मतलब बेनेली 600i और मेरी ही वीडियो देख रहा है तो भाई मुझे कमेंट बताना कि आपको दोनों साइड से हीटिंग आती है या फिर एक साइड से आती है। मेरे को तो राइट साइड से आती है जहाँ से हम ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं, ब्रेक लीवर जहाँ पे होता है। तो इसका ये तीसरा जो है क्या बोलते हैं अपना डिसएडवांटेज, वो ये है कि इस बाइक के अंदर हीटिंग इशू है बट आपको ट्रैफिक में ही फील होगा। अगर आप चल रहे हो 50 की स्पीड पे या आप चल रहे हो हाईवे पे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब फिर तो कुछ नहीं होने वाला, आप चलाते रहो मस्त, कोई फील भी नहीं होगा आपको। बट हाँ अगर आप ट्रैफिक में सिटी में आ गए तो आपको महसूस कराएगी भाई कि हाँ भाई ये हीट हो रही है। और जो साइड में ये टैंक के जो पीसेस देख रहे हैं आप, ये थोड़े से गरम गरम हो जाते हैं, मतलब कि समझ रहे हो ना, रोटी कच्ची बेल के और चुपका दो तो भाई पक्का जो है रोटी आपकी बनने वाली है। तो ये इसका जो है तीसरा जो है हीटिंग इशू की वजह से मैं इसका तीसरा डिसएडवांटेज दे रहा हूँ। तो दोस्तों चौथा जो इसका आएगा डिसएडवांटेज वो ये है, वो है इसकी हेडलाइट। जी हाँ दोस्तों, दिखने में थोड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत बेकार है, मतलब कि उस टाइम के जमाने के हिसाब से ठीक है, बढ़िया है, बट साइड से सही बताऊँ तो मुझे साइड से इसकी जो लुक है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर बात करें फ्रंट से तो फ्रंट से लुक इतना ज़्यादा चंकी नहीं लगता जितना साइड से लगता है। तो अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की फोर्थ नंबर की तो भाई वो है इसकी हेडलाइट। बिकॉज इसके अंदर हेडलाइट को ना एक ही कोई दो में इन्होंने पार्टीशन करके बना दिया, मतलब कि बीच में एक प्लेट इन्होंने लगा दी जिससे एक ऊपर बल्ब आ गया, एक नीचे आ गया। बेसिकली होता यह जितना मैंने समझा, अगर मेरे से ज़्यादा कोई समझदार है या किसी को पता है तो बताना। बेसिकली मैंने जो समझा है, जो मैंने अज्यूम करा है अब तक अपनी राइडिंग करियर में या जब से मैं इन बाइक लाइन में आया हूँ तब से, कि जितना डूम जो है खाली होता है ये जितना डूम बड़ा होता है उतनी ही ज्यादा उसकी रिफ्लेक्शन निकल कर आती है। अगर आप डूम के अंदर 4 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन कर दोगे तो कहीं ना कहीं डूम का जो एक पीछे का जो एरिया होता है वो छोटा हो जाता है, उसके वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो निकलती तो है बट वाइड एरिया में नहीं निकल पाती है। तो सीन ये है कि इसके जो अंदर जो दो बल्ब आते हैं स्टॉक, उसमें क्या है कि भाई साहब ये लगा लो बिल्कुल भी रोशनी नहीं मिलती आपको, मतलब कि लगा लो आप हाईवे पे चलोगे कहीं चलोगे ना आपको रोशनी में मजा बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बात मैंने जब जानी थी जब मैंने ये बाइक ली थी, और आप बेनेली यूजर जितने बंदे ना वो सब इस बात को एग्री करेंगे क्योंकि भाई इसके स्टॉक बल्ब जो है ना वो बिल्कुल वाही आते हैं, बेकार है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने जब ली थी बाइक तो उसमें वो लगे हुए थे स्टॉक बल्ब, बट बाद में मैंने इसके अंदर लगाए ये वाले नाइट आई, तो नाइट आई इसके अंदर एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन मैंने दोनों के एक साथ करवाए, मैं चाहता तो मतलब जो कंपनी चाहते हैं वो ऐसे आते हैं कि एक जलेगा लो बीम पे एक जलेगा हाई बीम पे, बट दोनों साथ में नहीं जलेंगे, बट मेरे को जो है ना उसमें मजा नहीं आ रहा क्योंकि इसको मैं बता रहा हूँ ना आपको पार्टीशन करके इन्होंने दो कर दिए, मतलब कि जगह एक ही थी इन्होंने प्लेट लगा के दो कर दिए ताकि थोड़ी सी कूल लगे। तो कूल लगने के चक्कर में क्या है जो उसका आउटपुट निकल के आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, थ्रो जितना अच्छा सिंगल बल्ब दे देता ना उतना अच्छा ये दे नहीं पाता, मतलब इसके दो बल्ब बोल रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ अपनी स्प्लेंडर की या फिर NS, मेरे पास पुष्पा थी उसका नाम मैंने पुष्प रखा था NS 200 का, तो उसके अंदर सिंगल नाइट आई बल्ब लगा था एक, और ये लगा लो उसका रिस्पॉन्स और इसका रिस्पॉन्स दो का सेम रहने वाला है दोस्तों। तो यही फर्क है, बल्ब चाहे तुम्हें तुम 4 लगा लो अगर डूम तुम्हारा छोटा होगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये डिसएडवांटेज है एक तो हेडलाइट की डिजाइन की, अंदर के डूम की जो पार्टीशन है वो, और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा कि अगर इसके स्टॉक बल्ब आप यूज कर रहे हो तो भाई वो बिल्कुल वही आते हैं। अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में बाइक लेने की, सॉरी मेरा गला सूख गया है, अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में बाइक प्लान कर रहे हो कि बेनेली लेंगे, तो जो मैंने आपको 4 डिसएडवांटेज गिनाए इनको आपको अच्छे से फेस करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं होगी जो आपको लगे कि नहीं दानिश भाई ने बताया था कुछ और निकला कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो चीज़ मैंने आपको 4 बताई है वो 4 की 4 रहने वाली है। तो ये तो हो गई इसकी खामियां जो इसके अंदर हमें मिलती हैं जब कभी आप प्लान करोगे, तो इन सब चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा, एक तो वेट को, दूसरा हीटिंग को, तीसरा इसकी जो लाइट है उसकी परफॉर्मेंस बेकार है, ठीक है जी, ये हो गया। और दूसरा भैया कौन से गियर में चल रहे हो ये आपको पता चलने वाला नहीं है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, पांचवी चीज वो है भाई इसका क्लच बहुत हार्ड है, सीरियसली बता रहा हूँ बहुत हार्ड है। अब जो सुपर बाइक सारी उनका इतना ज्यादा स्मूथ होता है बट इसका जो है ना बहुत हार्ड है। तो ये जो 5 रीजन मैंने आपको बताए ये मैंने खुद फील करे हैं, और अब तक इसको मेरे पास आए हुए कम से कम 4 महीने हो गए होंगे आराम से, क्योंकि 3 इसकी, हाँ 4 महीने आराम से हो चुके हैं इस बाइक को मेरे पास। तो ये है इसके डिसएडवांटेज 5 जो मैंने 4 महीने में एनालाइज बढ़िया से करके तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो जरूर लाइक करना। अब फटाफट से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, और जो इसके जो फायदे हैं वो आपको बताता हूँ फटाफट से, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अब करते हैं इसकी तारीफ, क्योंकि इसकी मैंने बुराई तो बहुत कर दी, मतलब 5 ऐसे रीजन बताए जो कि वैलिड रीजन है
मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं कि अपने पास से ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो मैंने महसूस करी वो मैंने ऐसी खामियां बताई हैं। आप बात करते हैं फायदे की कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं जिसके वजह से आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ये पांच जो मैंने बुराई बताई है, अब इसकी कुछ अच्छाई बताता हूँ। इसमें कोई मैं नंबर देने वाले नहीं कि चार है, पांच है, तीन है या दो है, बट जो भी आपको बताऊंगा भाई ऑनेस्ट बताऊंगा, और सबसे मेन ये है कि वो हकीकत है इस बाइक की, ठीक है। तो सबसे पहले भाई वो है इसका प्राइस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मतलब जिस प्राइस में आपको ये सेकंड हैंड मिल जाती है ना, उस प्राइस में आपको इनलाइन फोर कोई भी बाइक नहीं मिलने वाली, किसी भी ब्रांड की नहीं मिलने वाली, ये लगा लो आप। तो बेनेली जो है भाई, ये इकलौती बाइक ऐसी खड़ी होती है मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट में, कि भैया आपको इससे सस्ती इनलाइन फोर मिल ही नहीं सकती। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो यही है कि इनलाइन फोर वाली बाइक आपको मिल जाती है, वो भी सुपर बाइक। जी हाँ दोस्तों, सुपर बाइक आपको मिल जाती है इतने कम प्राइस में, जिसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी इसके साथ में खड़ी नहीं हो सकती इनलाइन फोर, इतनी सस्ती बाइक मिल जाती है। अब बात करें भैया कितने तक की मिल जाती है, तो देखो भाई आपके ऊपर है, गाड़ी के ऊपर है, और गाड़ी कंडीशन के ऊपर है, और जो सेल कर रहा है उसके ऊपर है, ठीक है जी। तो मतलब अगर बात करूँ मार्केट में कितने तक की अवेलेबल हो जाती है, मरे से मरा एक दाम बता रहा हूँ, चीपेस्ट कम से कम लगा लो 3.5 लाख रुपए के अंदर आपको ये बाइक मिल जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है, इसका मॉडल थोड़ा डाउन होगा, ओनरशिप बड़ी भी होगी, लाइक 3 या 4 ओनर होंगे, या फिर सेकेंड ओनर भी मिल जाएगी आपको, और 2015 मिल जाएगी, 16 मिल जाएगी, 2014 मिल जाएगी, तो ऐसे ये बाइक आपको मिल जाएगी 3.5 लाख के आसपास। तो 3.5 लाख में आप ये लगा लो इनलाइन फोर कोई नहीं आती, तो ये इसका एडवांटेज है बहुत तगड़ा। अगर थोड़े से ऊपर भी जाएं, 2020 भी जाओगे तो 5 लाख में मिल जाती है। 2020 अगर आप कावासाकी 900 या कावासाकी 800 लोगे तो वो 6-6 लाख पार हो जाएंगी, तो उसमें भाई फिर ये बेस्ट है, और ये भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। इस वजह से मतलब कि ये बोलो पॉकेट फ्रेंडली बाइक रहने वाली है हमारी बेनेली 600i, जो कि आपके बजट फ्रेंडली बजट में आ जाती है। तो ये पहला एडवांटेज इसका प्राइस। तो दोस्तों दूसरा एडवांटेज इसका रहने वाला है वेट। वेट एडवांटेज क्यों है, मैंने पहले बताया था डिसएडवांटेज है कि भाई आपसे मनूवर नहीं होगी, आगे पीछे करने दिक्कत आएगी, तो यही एडवांटेज है भैया। जब आप हाई स्पीडिंग पे चलते हो, मतलब हाई स्पीडिंग करते हो आप, जब 150 क्रॉस कर जाते हो, तो भाई यही वेट आपको स्टेबिलिटी में मदद करता है, तो इसके वजह से आपका जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ओके हो जाती है। ये लगा लो कि मैं खुद यार ओन कर रहा हूँ, मैं 4 महीने में मैंने खूब भगाई है इसको, और सबसे ज़्यादा मैंने भगाई थी कहाँ पे थी, जब मैं अजमेर गया था इसको लेके, मतलब जब से मैंने ये बाइक खरीदी है 4 महीने हो गए इस बाइक को, और ये लगा लो मैंने अजमेर की ट्रिप मारी है, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं मारी। बाकी हाँ मैं लेके घूम लिया हूँ इधर उधर, कभी मैं GFR चलाई है, हाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई GFR की, वो बात अलग है, बट मैंने चलाई है इसको। तो मैंने लगा लो हाईएस्ट मैंने इसको 190 क्रॉस किया, मैंने 200 नहीं लगाया है, मतलब अभी अपने चैनल पे 200 नहीं होगा, बट हाँ 150 तो हो जाएगा। तो सीन ये है कि मैंने 180-190 इसको बाइक को लगाया, लेकिन ये लगा लो बिल्कुल भी मैं डरा नहीं, मतलब एक होता ना कि अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, बाइक कब कब आ रही है, वॉबल कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मतलब जो इसका वेट अगर भारी है भी ना, लेकिन वो स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है, उससे बाइक आपकी स्टेबल रहती है, बिल्कुल भी वॉबल नहीं होती, और बहुत ज़्यादा चिपक के चलती है, टायर वायर सब बड़े चलते हैं मक्खन। तो कुल मिला के ये इसका एडवांटेज रहने वाला है, अगर भारी वेट है भी तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसे ग्राउंड क्लियरेंस की, मतलब कि ये लगा लो कितनी भी बाइक देख लो ऐसी आप, उनके ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम मिलेंगे, बट इस केस में भाई बेनेली का ग्राउंड क्लियरेंस इतना बढ़िया लगता है ना मुझे, मतलब लगा लो अपने सेगमेंट के अंदर जितनी भी बाइक देखी है उनके ग्राउंड क्लियरेंस इतने नीचे होते हैं कि मतलब अगर आप ब्रेकर से कुदाओगे ना तो भाई साहब लगा लो टच हो ही जाएगा आपका इंजन नीचे चैम्बर एम्बर, लेकिन इस केस में भाई बेनेली का ना 600i का ग्राउंड क्लियरेंस और सुपर बाइक से काफी सही लगता है मुझे भाई। तो ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसके बारे में अगर किसी को टिप्पणी करनी है मुझसे तो भाई वो कमेंट सेक्शन आप ही गई आप कर सकते हो, लेकिन जितना मैंने नोटिस किया है, जितना मैंने देखा है कि इस बाइक का और सुपर बाइक के हिसाब से मतलब कि और मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो जिस सेगमेंट में ये आती है उस सेगमेंट में मतलब 600-800 ऐसी बाइक में जो RCC में आती है उन बाइकों के अंदर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी बढ़िया रहने वाला है। तो मेरी तरफ से ये भी इसका एडवांटेज है, वरना नॉर्मली क्या होता है सुपर बाइक के अंदर टेंशन होती है कि भैया नीचे लग ना जाए, चैम्बर ना फट जाए, या फिर आप एडवेंचर बाइक लेते हो कोई टूरिंग करने के लिए, या फिर जैसे हिमालयन हो गई और बाइक्स आती हैं तो उनमें क्या होता है नीचे रेड वो इंजन गार्ड लगवाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं अपना बैश प्लेट बोलते हैं इसको, तो वो लगवाना पड़ता है। बट इस केस में ये है कि आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, तो ये इसका काफ़ी अच्छा इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट जो इसका एडवांटेज रहने वाला है भैया वो है इसके प्यारी प्यारे एग्जॉस्ट, ये लगा लो, ये तो खैर कंपनी रिकमेंडेड है जो एक्सिल है, बाकी देखो बेनेली जो है ना वो एक्सिल को ही मतलब बोलती है कि अगर आपको आफ्टर मार्केट लगवाने तो आप एक्सिल लगवाओ वरना मत लगवाओ, बेनेली ये बोलती है। बाकी अगर बात करें इसकी साउंड की तो जो बेनेली के साथ स्टॉक वाले जो एग्जॉस्ट आते हैं ना उसमें भी साउंड एक नंबर आता है, बाकी भाई ये जो है ना
ये तो टॉप नोच है, मतलब ये लगा लो बहुत बढ़िया। इससे क्या इंजन में फर्क नहीं पड़ता और आवाज भी एक नंबर आती है। तो बेनेली जो है बेसिकली अपने नाम जो इन्हें बनाया है इंडिया के अंदर भाई, वो अपनी आवाज की वजह से बनाया। पहले भी आवाज की वजह से बिकती थी, बीच में भी आवाज की वजह से बिकती थी, और आज भी आवाज की वजह से बिकती है, और आने वाले टाइम में भी आवाज की वजह से बिकेगी, ये बात की गारंटी है। बाकी इसकी आवाज मैं आपको सुनाता हूँ, फिर करते हैं वीडियो एंड। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिए तो जरूर लाइक करना, बाकी आवाज सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है रिसीवर, मतलब माइक यहाँ लगा हुआ है, अब देखते हैं आवाज कैसी आती कैसी नहीं। जितना ये कैच कर पाएगा कर लेगा, बाकी नहीं कर पाएगा तो भाई उसके लिए माफी चाहूंगा। बट कभी शॉप पे या कभी मुझे बाहर मिलोगे तब इसकी साउंड सुनना, एक नंबर आती है। 5000 के बाद जो आवाज और जो परफॉर्मेंस है इसकी वो अल्टीमेट लेवल की है। बाकी भाई इसको करते हैं न्यूट्रल, क्योंकि बाइक थोड़ी डाउन साइड खड़ी हुई है, तो यहाँ मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सारे कौए हुए उड़ गए भाई, जो कि सही नहीं है, बट ठीक है। आप मुझे बताना कैसी लगी आपको आवाज, मैंने ज्यादा पास लेके नहीं, वरना ये भाई इसकी खुद फट जाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये साउंड अच्छा लगा होगा भाई, टॉप नोच क्वालिटी के साउंड आते हैं इसमें, जो बात है। आवाज कैसी लगी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी ये दो लगे हुए हैं, ठीक है, ये लंबे वाले, मतलब कि ये लॉन्ग कैन है बेसिकली, एक्सिल है। अगर इसके अंदर इसी के अंदर इसी पोजिशन पे मैं इसमें लगा दूँ AR यानी कि ऑस्टन रेसिंग, या फिर SC प्रोजेक्ट के मैं इसमें लगा दूँ कैन, लगा दूँ शॉर्ट कैन, तो इसकी आवाज़ बहुत खतरनाक हो जाएगी। बाकी इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक जो निकली हुई देखी है मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर, वो है टोस। टोस एक ऐसा एग्जॉस्ट है जो बहुत ही खतरनाक है, मतलब यहाँ से तीन पाइप निकल रहे होते हैं, यहाँ से तीन पाइप निकल रहे होते हैं, और उसकी आवाज़ इतनी मैस्मराइजिंग होती है ना, इतनी मैस्मराइजिंग होती है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसकी आवाज़ आती है, बेनेली आवाज़ की वजह से जानी जाती है, इसी वजह से सब लोग पसंद करते हैं। सस्ते में अच्छी मिल जाती है सुपर बाइक, मेरी फर्स्ट है। और सबसे मेन ये है कि भैया कोई सुपर बाइक की दुनिया में कदम रखना चाहता है तो भाई सबसे पहला स्टेप जो होता है ना वो यही है। मैं से बता रहा हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंड है हाईली, वो भी इसलिए क्योंकि भाई देखो एकदम से आप हायर सीसी जाओगे ना तो आप संभाल नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि आप जो है बेनेली लो और चलाओ 6 महीना 1 साल, जब जितना आपका मन करे उतना चलाओ, उसके बाद फिर दूसरी बाइक पे जाओ। मैं भी जाऊंगा, मेरी पॉकेट अलाउ करेगी तो डेफिनेटली जाऊंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा अगर मेरे पास पैसे होंगे तो। बट हाँ ये है कि अभी ये है तो मैं इसमें खुश हूँ। बाकी आप बताना कि आप कितने सेटिस्फाइड हो इस वीडियो से और इस बाइक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।